देखिए, इसके पहले के जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था फ्रेंड्स कि कैसे एक गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे बॉयज के रिस्पेक्ट में वो डिसएडवांटेज में रहते हैं। और इससे पहले चैप्टर्स में हमने ये भी देखा कि चाहे हेल्थ का पर्सपेक्टिव हो, चाहे इक्वालिटी का पर्सपेक्टिव हो, गर्ल और वुमेन्स डिसएडवांटेज में रही हैं। वुमेन होती हैं, वो घर का काम करती हैं, घर का काम पूरे दिन का काम होता है, सुबह से लेकर रात तक का। उसके उनको कोई पैसे भी नहीं मिलते, और सबसे बड़ी बात है उसका उनको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता है। आपके पापा ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, आप सोचते हो वो बहुत काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी दिन में घर में काम करती हैं, आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो इस तरीके का स्टीरियोटाइप, इस तरीके का माइंडसेट हमारे देश में बना हुआ है लोगों के दिमाग में, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक बार वुमेन घर से बाहर निकल के मान लीजिए नौकरी भी करने लगे, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई वहां पे भी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो समझा जाता है कि ये वुमेन के लिए है, और कुछ ऐसी जॉब्स होंगी जो ये समझा जाएगा कि ये वुमेन के लिए नहीं है। तो यहाँ चैप्टर 5 में वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड इसका टाइटल है, और सिर्फ वुमेन से रिलेटेड नहीं, एक दो फैसेट्स ऐसे हैं जो कि बॉयज से रिलेटेड होते हैं, उसको भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। शुरू करने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि आप आगे बढ़ने से पहले तुरंत इस वीडियो पर एक लाइक मार दीजिए, लाइक मारने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा। और साथ साथ अगर आप ये एनसीईआरटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ। वुमेन अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल करती आ रही है बहुत समय पहले से, एंशियंट इंडिया से, ठीक है। और ये समझा जाता है कि भाई कुछ काम ही उनके लिए अप्रोप्रिएट है, जैसे वुमेन को एक हाउसवाइफ के रूप में देखा जाता है, अगर आप बाहर जाओगे तो वुमेन को एक टीचर के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। कि भाई बोलते हैं ना कि लेडीज के लिए तो भाई टीचर की जॉब सबसे अच्छी है, इस तरीके का माइंडसेट है यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में। मैं अपनी कोई थॉट प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मैंने भी बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा आई एम श्योर। अगर वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। जब आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होंगे। और हम बहुत समय से इंडिया में वुमेन्स मूवमेंट्स हो रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जा सके। ये वुमेन्स मूवमेंट्स आजादी के बाद थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, कितना इंप्रूवमेंट आया है वुमेन के उसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक काम है, देखिए एक इमेज बनाने के लिए आपको कहा गया है, एक फार्मर की इमेज बनानी है, एक फैक्ट्री वर्कर की इमेज बनानी है, एक नर्स की इमेज बनानी है, एक साइंटिस्ट की, एक पायलट की, एक टीचर की, इस तरीके की आपको इमेज बनानी है। ओके, सब लोग आपके क्लास में इमेज बनाइए। ओके, और टीचर की इमेज में फिर क्या बना उसको चेक करिए, वो मेल है कि फीमेल है, फार्मर की, फैक्ट्री वर्कर की, नर्स की, साइंटिस्ट की, पायलट की। इस एक्टिविटी में समय बर्बाद के ना हम लोग आगे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि देखिए रोजी मैम पढ़ाती हैं स्कूल में, उनकी क्लास में बच्चे हैं 30। उन्होंने जब अपनी क्लास में एक्सरसाइज की तो क्या समझ में आया, टीचर की इमेज में 5 लोगों ने एक आदमी की इमेज बनाई, 25 ने फीमेल की इमेज। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भैया लोगों के माइंडसेट में ये है कि टीचर होंगी तो लेडी ही होंगी। जब फार्मर की इमेज आई तो भैया 30 लोगों ने मेल की इमेज बनाई और 0 लोगों ने फीमेल की बनाई, मतलब फार्मर में किसी ने फीमेल की इमेज बनाई ही नहीं। अब जब फार्मर में 30 के 30 लोगों ने मेन की इमेज बनाई है तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ लेडीज हैं और ये यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रही हैं, और इसमें छोटा सा डाटा दिया गया है, 83.6% ऑफ द वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वो क्या काम करती है भाई, पौधों को गाड़ना, उसमें से वीडिंग्स गंदगी को हटाना, उसको काटना, हार्वेस्ट करना और उसको थ्रेश करना, थ्रेश करके मतलब उसके डंठलों से बीजों को निकालना, फिर वो बीज ग्राइंड करके खाए जाएंगे। तो प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, इसमें वुमेन इन्वॉल्व है एक मेजोरिटी लेवल पे। फिर भी जब भी आप फार्मर को देखते हो तो आप एक आदमी ही क्यों देखते हो, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर की ट्रेडिशनल इमेज बनी है वो ये है कि भाई वो खेत बैल को लेके खेत जोत रहा है। तो बैल को लेके खेत जोतना, प्लॉइंग का जो प्रोसेस होता है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि फिजिकली इंटेंसिव होता है। तो उस चक्कर में आपके दिमाग में क्या बैठ गया कि भैया फार्मिंग में बहुत ज्यादा क्या नाम से आप कह सकते हो कि मैनुअल ताकत की जरूरत पड़ती है, फिजिकल एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो केवल मैन ही कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ खेत जोतना नहीं है दोस्तों, एग्रीकल्चर में थ्रेशिंग भी होती है, हार्वेस्टिंग भी होती है, वीडिंग भी होती है, प्लांटिंग भी होती है, और भी बहुत सी चीजें होती है, इरीगेशन होता है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है, पहले के चैप्टर अगर आपने मेरे देखे हो तो। तो इसलिए जब भी आप एग्रीकल्चर को देखें ये मत सोचो कि जो फार्मर्स हैं वो केवल मैन ही है, वुमेन एक बहुत मेजर लेवल पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इवन कई जगहों पे तो वो खेत जोतते भी आपको वुमेन दिख जाएंगी, हालांकि ज्यादातर जगह पे आदमी ही खेत जोतते हैं, और आदमी खेत जोतते हैं तो आपको लगता है कि फार्मर मैन है, ऐसा नहीं है। ये एक मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे जो दे रखा। फैक्ट्री वर्कर्स की जब बात आई तो आपने देखा कि भैया 25 लोग मेल बनाए गए, 5 फीमेल। जबकि आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं ना, जो दिहाड़ी की तरह काम करते हैं, देखिए कुछ फैक्ट्री वर्कर्स कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, कुछ परमानेंट भी हो जाते हैं। इस फैक्ट्री वर्कर्स के साथ में एक आपके साथ चीज और जोड़ना चाहूंगा, कभी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो,
किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही हो, वहां पे आपको मेल मजदूरों के साथ फीमेल मजदूर भी बहुत सारी मिल जाएंगे। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा ना कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग मेल होते हैं फीमेल होते हैं, भाई आप मेल जवाब दोगे लेकिन वहां पे फीमेल्स भी बहुत होती हैं, चाहे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर देख लो मुंबई दिल्ली कहीं पे भी। उस तरीके से फैक्ट्री वर्कर की जब इमेज बनी तो 25 लोग मेल थे 5 लोग फीमेल थे, जब नर्स की इमेज बनी तो भाई 30 लोग फीमेल थे और 0 लोग मेल थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल केवल रियल लाइफ में नहीं हमारे पॉपुलर कल्चर में भी दिखता है। एक मूवी आई थी दोस्ताना जिसमें अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम थे, उसमें अभिषेक बच्चन एक नर्स का रोल प्ले करते हैं, तो जब भी वो सबको बताते हैं कि आई एम अ नर्स, सब लोग उनको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, क्योंकि नर्स को ट्रेडिशनली एक फीमेल का ऑक्यूपेशन माना जाता है, और अगर कोई आर्मी नर्स निकल आता है तो लोग बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, जबकि अगर आप हॉस्पिटल में जाके देखें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वहां पे ज्यादातर नर्सेज आपको फीमेल के साथ साथ आदमी भी मिलेंगे, ऑलमोस्ट 50-50% मिलेगा। फिर साइंटिस्ट के रोल में मेल ही दिख रहे हैं फीमेल कम दिख रही है, पायलट के रोल में मेल ज्यादा दिख रहे हैं फीमेल कम दिख रही है, ये स्टीरियोटाइप्स हैं दोस्तों। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है ना, इसमें फीमेल उतनी ही कैपेबल है काम करने के लिए, लेकिन चूंकि हमारा कल्चरल माइंडसेट हमको स्टीरियोटाइप की तरफ लेके जाता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कुछ में फीमेल ही ज्यादा होंगी और कुछ में मेल ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ज्यादातर चिल्ड्रन ने रोजी मैम की क्लास में क्या ड्रॉ किया कि भैया नर्सेज वुमेन होंगी और आर्मी ऑफिसर्स मैन होंगे। ओके, तो हम लोग ये मानते हैं कि वुमेन कुछ काम में ही अच्छी होती है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर लोग समझेंगे कि भाई वुमेन नर्सेज अच्छी बन सकती है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पेशेंट है, वो जेंटल है, और पेशेंट होना जेंटल होना एक वुमेन के रोल को सूट करता है एक फैमिली के अंदर, ये एक स्टीरियोटाइप है। ओके, फिर अगर साइंस में काम करने की बात है तो टेक्निकल माइंड की जरूरत है और लड़कियों के पास टेक्निकल माइंड होता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन ऐसी सोच है लोगों की। इसीलिए जब सोसाइटी में इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स प्रिवेल करते हैं तो बहुत सारी लड़कियों को बॉयज जितना सपोर्ट नहीं मिलता है उनके पढ़ाई के समय पर। ओके, और इसीलिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, उनके लिए आगे बढ़ना एक छोटे जब होती है तभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां जहां पे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, फैमिली ने सपोर्ट किया है, वहां पे लड़कियां स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके आगे भी आई। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अब ट्रेन के इंजन ड्राइवर्स को अगर आप एज्यूम करोगे तो आपको लगेगा वो मेन है, लेकिन एक लक्ष्मी लकड़ा करके लेडी है, 27 साल की है, ये एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है झारखंड में। ये पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवे की। पूरी छोटे में लक्ष्मी करंट्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत जगहों पे लक्ष्मी को ये सुनने को मिलता था कि भैया हाउस होल्ड काम करना है, बाकी काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने मेहनत करके एक डिप्लोमा लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की, रेलवे बोर्ड का एग्जाम पास किया पहले अटेम्प्ट में, और फिर वो इस जॉब पे लगी, एक ऐसी जॉब जो कि सिर्फ लड़कों के लिए सूटेबल मानी जाती थी। यहाँ पे एक लक्ष्मी का स्टेटमेंट, आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इट इज नॉट फॉर गर्ल आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। तो यहाँ पे लक्ष्मी को क्रेडिट जाता है और साथ साथ लक्ष्मी के माँ बाप को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से अगर देश की लेडीज को लड़कियों को आगे आना है तो उनको तो मेहनत करनी होगी, साथ साथ उनको एक कल्चरल सपोर्ट की भी जरूरत है, एक फैमिली सपोर्ट की भी जरूरत है आगे आने के लिए। अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो उनके लिए आगे आना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, ये एक एग्जाम्पल था, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे केवल लेडीज की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में जहां रह रहे हैं जहां पे गर्ल चाइल्ड के अलावा जो मेल चाइल्ड है ना वो भी कभी कभी प्रेशर फेस करता है इन वन फॉर्म और द अदर। ओके, अनफेयर टीजिंग मिलती है उनको अपने दोस्तों से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनको स्कूल में है तो उनको बॉयज के एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा सा लीनियंट या थोड़ा आराम से वाले एटीट्यूड में रहे तो चलेगा नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूलों में बच्चों को टीजिंग होती, खासकर बॉयज को टीज किया जाता है, बॉयज आर टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज, अगर वो दूसरे बॉयज की तरह काम नहीं करते तो उनको बुली किया जाएगा, प्लस बॉयज को छोटे से प्रेशराइज किया जाएगा भाई तुमको पढ़ना है, बड़े होकर कोई अच्छी सैलरी की नौकरी पकड़नी है, अपना घर चलाना है, यू आर द मेल मेंबर, यू आर द अर्निंग मेंबर, इस टाइप से चीजें बोली जाती है दोस्तों। हम यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जेवियर का। जेवियर के क्लास 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, उसके साइंस के मार्क्स और मैथ के मार्क्स बिल्कुल गंदे हैं, लेकिन हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में उसने अच्छा किया है, वो खुश है क्योंकि वो हिस्ट्री ही पढ़ना चाहता है, उसको साइंस और मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब यही रिपोर्ट कार्ड उसकी माँ देखती है तो माँ बोलती है जेवियर तुमने केवल 65% मार्क्स स्कोर किए मैथ में, फिजिक्स में भी तुम्हारे मार्क कम है। तो जेवियर बोलता है अरे मामा बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मैथ्स या साइंस लेना नहीं चाहता, मैं बड़े होके हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इनहेरेंटली हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। ओके, ये बोला किसने? जेवियर ने।
फिर जेवियर के फादर ने उससे पूछा कि भैया हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, हिस्ट्री का तो कोई स्कोप ही नहीं, करोगे क्या, कोई जॉब स्कोप ही नहीं है। तो जेवियर बोलता भैया मुझे मैथ और साइंस अच्छी नहीं लगती पापा। लेकिन तब भी उसके फादर ने बोला कि सेंसिबल बनो बेटा, मैथ लो और कंप्यूटर्स को पढ़ो, चूंकि इनका स्कोप ज्यादा है जॉब मार्केट में। तो कुल मिला के यहाँ पे जो जेवियर के फादर है वो जेवियर को उसका पैशन फॉलो करने को नहीं बोल रहे हैं, उससे ये बोल रहे हैं कि भाई तुम एक ऐसी चीज को टेकअप करो, एक ऐसी चीज को फॉलो करो जो आगे के तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके। और जेवियर ये चाहता नहीं, जेवियर अपने पैशन को सिक्योर करना चाह रहा है, फॉलो करना चाह रहा है, लेकिन उसकी उसको आजादी यहाँ पे मिल नहीं रही। इस तरीके के प्रेशर्स इन वन फॉर्म और द अदर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग झेलते ही हैं इंडिया में। कोई बड़ी बात नहीं, जितने लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने भी हो सकता है किसी ना किसी टाइम पे इस प्रेशर को झेला हो। अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस दिख रही है और एक यहाँ पे लेडी दिख रही है जिनका नाम है रामा भाई। भाई ये बहुत ही कैरिस्मेटिक लेडी थी, 1858 से 1922 के टाइम पे ये एक्टिव थी। यहाँ पे वो अपने डॉक्टर के साथ नजर आ रही है। इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के कंसेप्ट को बहुत आगे बढ़ाया। पहले तो ये खुद स्कूल कभी गई नहीं, लेकिन अपने पेरेंट्स से इन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा और इनको जो टाइटल दिया गया वो लिखा दिया गया पंडिता, क्योंकि ये संस्कृत को लिख भी सकती थी और पढ़ भी सकती थी। और उस समय पे 1858 से 1922 के टाइम पीरियड में किसी एक लेडी के लिए इतनी नॉलेज रखना बहुत मुश्किल होता था। और उन्होंने बाद में 1898 में अपना खुद का एक मिशन, अपना खुद का एक स्कूल बनवाया खेत गांव में, जहां पे विडोज और जो गरीब औरतें आके पढ़ने की कोशिश करती थी और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती थी, खासकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती थी। उनको अलग अलग तरीके की स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कार्पेंट्री की स्किल्स सिखाई जाती थी, लकड़ी बनाने की, प्रिंटिंग प्रेस कैसे अखबारों को छापना है इसकी स्किल सिखाई जाती थी, कुछ इस तरीके की स्किल्स जो कि आज की डेट में भी नहीं सिखाई जाती। कार्पेंट्री बनाने की स्किल्स क्या सिखाई जाती है, प्रिंटिंग प्रेस में भी आपको ज्यादातर आदमी काम करते नजर आएंगे, तो क्या इस तरीके की स्किल्स लेडी सीखती नहीं। बट उस समय पर रामाबाई ने ये मिशन सिखाने लड़कियों को शुरू किए और आप देख सकते हैं ये रामाबाई की फोटो है अपनी डॉटर के साथ। तो कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के लेडीज हमेशा से आगे निकली हैं। आज की डेट में तो देखिए लेडीज के लिए आगे बढ़ना कंपैरेटिवली आसान हो गया है, लोगों के माइंड थोड़े खुल गए हैं, देश डेवलप कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट उस समय पर जिस समय पर रामाबाई एक्टिव थी भैया, उस समय तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी सोसाइटी की, लेडीज को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था। उस समय पर उठना एक मेजर फीट है, एक मेजर अचीवमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, लर्निंग फ्रॉम चेंज। भैया स्कूल जाना हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जैसे जैसे एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो स्कूल। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, हम लोग स्कूल जाएंगे, हम देखेंगे और बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, तो हम सोचेंगे भैया स्कूल तो हर एक हो ही जाता है। लेकिन उस समय पे शायद जब हम छोटे होंगे तो हम ये रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि ये स्कूल जाना बहुत सारे बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्स है। ठीक है, पास्ट में मैं आपको बता दूं, आज की डेट में तो देखिए पढ़ना और लिखना एक नॉर्मल चीज मानी गई। अब तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ गए हैं, आपको एक अलग ही लेवल पे जाना पड़ेगा अपने आप को बढ़ाने के लिए, लोगों का जो स्किल लेवल है, नॉलेज लेवल है, बढ़ रहा है। लेकिन पहले के समय में भाई लिखना अगर किसी को आता, पढ़ना किसी को आता है ना, तो वो पढ़ा लिखा माना जाता था। ज्यादातर जो बच्चे थे वो अपने बड़ों से, अपने फैमिलीज के बड़ों से काम करना सीखते थे, और जो बॉयज थे वो थोड़े बहुत, चलो उनको एजुकेशन मिल भी जाए, जो गर्ल्स थी उनकी सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉटर्स को तो भाई पढ़ने दिया ही नहीं जाता था, सन्स को रीड राइट करने की परमिशन थी, सीखने की परमिशन थी, डॉटर्स को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगी तो वेस्टर्न माइंडसेट आ जाएगा, वेस्टर्न माइंडसेट आ जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे, इस तरीके की सोच उस समय पे हुआ करती थी। फैमिलीज में भी अगर मान लीजिए कोई स्किल है, ट्रेडिशनली स्किलफुल फैमिली है, तो वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो भाई आपकी बॉयज को दी जाएंगी, और जो सबॉर्डिनेट स्किल्स हैं वो आपकी फीमेल को दी जाएंगी। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि देखिए स्किल्स में कभी भी कोई स्किल सबॉर्डिनेट या फिर सुपीरियर नहीं होती है, बट आपको एक एग्जाम्पल से चीजें मालूम पड़ेंगी। जैसे कि पॉटरी, कोई कुम्हार था जो कि पॉट्स बनाता था, उसमें मिट्टी को इकट्ठा करना और मिट्टी को इकट्ठा करके वो जमीन बनाना जहां पे पॉट्स बनाए जाएंगे, ये लड़कियों का काम होता था। पर उन पॉट्स पे व्हील को घुमा के असल में पॉट को बनाना, घड़ों को बनाना, ये बॉयज का काम हुआ करता था। तो आप समझ लो मेन काम उस व्हील को घुमा के बनाना, ये बॉयज को है, और जो बेकार वाला काम है कि भाई मिट्टी इकट्ठी करके और अर्थ बनाओ, ये लेडीज को दिया जा रहा है। और इस बात की पूरी गारंटी कि भाई मिट्टी को उठा के लाओ और अर्थ बनाओ, इस काम का उनको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता होगा, जबकि ये काम भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मिट्टी उठा के अर्थ नहीं बनाएंगे तो आप बड़े कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से वुमेन्स के खिलाफ और गर्ल्स के खिलाफ उस समय पे डिस्क्रिमिनेशन था। 19th सेंचुरी आई, अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, भाई नए आइडियाज आने लगे लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में, एजुकेशन के बारे में।
थोड़े स्कूल ज्यादा आने लगे, हालांकि उन स्कूल में थोड़े अमीर बच्चे पढ़ रहे थे, गरीब तबके तक वो स्कूल पहुंचे नहीं थे। कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखने लगे। लेकिन उस समय पे भी जब पढ़ने लिखने का फैशन आगे बढ़ रहा था, भाई गर्ल्स के एजुकेशन पे हमेशा से अपोजिशन था। ब्रिटिश सरकार ये अपोजिशन नहीं डालती थी गर्ल्स के एजुकेशन पे, ब्रिटिश सरकार ने जो थोड़े बहुत स्कूल बनवाए थे उनमें जो बच्चे पढ़ने जाते थे, खासकर अमीरों के बात कर रहा हूँ, तो वो अमीर अपने ये बॉयज को भेजते थे, अपने गर्ल्स चाइल्ड को नहीं भेजते थे, ठीक है। जबकि इंडिया में आप देखिए कि जो इंडियन क्लास है, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने ही गर्ल एजुकेशन को रेजिस्ट किया है, ब्रिटिशर्स ने गर्ल एजुकेशन को उतना रेजिस्ट नहीं किया, ओके। लेकिन ब्रिटिशर्स ज्यादा इंटरफेयर करते नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को राज करना था तो वो कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन उस समय पे भी बहुत सारे वुमेन ऐसी थी, मेन ऐसे थे, जिन्होंने गर्ल्स के लिए एफर्ट मारा, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बढ़ाने के लिए एफर्ट मारा। इसमें एक नाम तो हमने यहाँ पे देखा रामाबाई जी का, ठीक है। एक हम आगे देखेंगे जिनका नाम है राश सुंदरी देवी। ये 1800 से लेकर 1890 के टाइम पीरियड में एक्टिव थी। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1800 में, लगभग 220 साल पहले आज से। 60 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आयोट्रॉफ बायोग्राफी लिखी थी बंगला में, वेस्ट बंगाल में रहती थी क्योंकि बंगला इनकी मदर टंग थी। इनकी बुक का टाइटल था अमर जीवन, पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो एक इंडियन भारतीय वुमेन ने लिखी है। ये एक वाइफ थी, हाउस वाइफ थी, मतलब घर के काम काज करती थी, और एक रिच लैंडलॉर्ड, एक रिच जमींदार की घर की ये बहू थी। उस समय पे ये समझा जाता था कि अगर औरत को लिखना और पढ़ना आ गया तो भाई वो खराब लक लेके आएगी, खराब किस्मत लेके आएगी अपने हस्बैंड के लिए, और हो सकता है कि वो वुडो बन जाए, उसका हस्बैंड मर जाए। इस तरीके की चीजें उस समय पे एक्टिव थी, और ऑब्वियसली बात है ये सच तो है नहीं, तो इस तरीके की चीजों को उसको डेलिबरेटली सोसाइटी में फैलाया गया था ताकि जो वुमेन पढ़ना चाहने की इच्छा भी अपने अंदर लाए वो इच्छा निकाल दे अपने अंदर। इसके बावजूद राज सुंदरी देवी जी ने एक ब्रॉड माइंडसेट को लेके, क्योंकि उनको ये पता था कि ऐसा कुछ भी सही नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, पढ़ना और लिखना सीखा सीक्रेट में अपनी मैरिज के बाद। तो यहाँ पे उनके बारे में कुछ चीजें हैं कि भाई वो डॉन एकदम सुबह काम करना शुरू करती थी और रात तक मिडनाइट 12 बजे तक काम करती रहती थी, बीच में कोई भी रेस्ट नहीं होता था। 14 साल की उम्र पे इनकी शादी हो गई थी, लेकिन इनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये लिखती थी कि आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैनुस्क्रिप्ट, ये इनकी इच्छाएं थी। तो ये बताती है आई वॉज अनलकी, उस जमाने में वुमेन्स एजुकेटेड हुआ नहीं करती थी। फिर शुरू शुरू में मेरा पढ़ने का मन किया, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने पढ़ना का आगे सोचा तो मैंने सोचा कि मैं क्या ये बकवास सोच रही हूँ, ये मुझे साथ हो क्या गया है भाई, मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब इनका अंदर का एक एटीट्यूड बोल रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, और दूसरा एटीट्यूड इनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। फिर एक दिन इनको सपना आया कि ये एक मैनुस्क्रिप्ट पढ़ रही थी जिसका नाम है चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ अ सेंट इसका मतलब है, ठीक है। फिर एक दिन ये बैठ के किचन में खाना पका रही थी तो इनके हस्बैंड ने इनके बड़े बेटे से कहा कि बिपिन मैंने अपनी चैतन्य भागवत वहां पर रख रखी है, जब भी बोलूं उसको अंदर ले आना। इससे उनको अपना सपने से उन्होंने कनेक्ट किया और उनको कुछ लगा कि भाई हाँ भाई मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो चुपचाप से एक दिन उस किताब से उन्होंने एक पन्ना निकाल के उसको हाइड करके अपने पास छुपा लिया, और जब उसका एल्डेस्ट सन पढ़ता था तो वो कुछ अल्फाबेट्स को प्रैक्टिस करता था, तो उस अल्फाबेट्स की एक कॉपी लेके जब इस चैतन्य भागवत को इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो चैतन्य भागवत में जो चीजें लिखी थी उसके अल्फाबेट्स को अपने सन के अल्फाबेट की कॉपी से मैच करा के इन्होंने लिपि को, इन्होंने वर्ड्स को सीखने की कोशिश की। सोचिए कितना मुश्किल है, कोई नहीं बता रहा है, छुप के एक लेडी पढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो अल्फाबेट समझने के लिए वो पहले अल्फाबेट की कॉपी उठा रही है अपने बेटे की, फिर बुक से एक पन्ना मार रही है उससे पढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप समझ रहे ना फ्रेंड्स कि किस हिसाब का फोकस है, किस हिसाब का एफर्ट मारा है यहाँ पे राज सुंदरी देवी ने चीजों को समझने के लिए, और फाइनली वो चैतन्य भागवत को पढ़ पाई, ओके। और अपनी लिखी हुई चीजों के थ्रू उन्होंने दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि भाई दुनिया उस समय की भारतीय वुमेन की लाइफ कैसे होती थी उसके बारे में जान सके। राज सुंदरी देवी ने लिखा कि भाई उस समय पे एक औरत की जिंदगी में एवरीडे लाइफ किस तरीके की होती थी, एक सेकेंड का भी आराम नहीं था, ना खाने के लिए ना बैठने के लिए, दिन भर काम करो काम करो और काम करो। तो ये राज सुंदरी देवी जी की कहानी है, कहा जा सकता है कि भाई एक वॉरियर की कहानी आप कह सकते हो, एक वॉरियर से कम नहीं है यहाँ पे चीजें। आगे चलते हैं, एक और कहानी देखते हैं, रुकैया सखावत हुसैन, एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड। तो भाई ये एक्टिव थी 1880 से 1932 के टाइम पीरियड में, एक रिच फैमिली में ये भी बॉर्न हुई थी जिनके पास एक खूब सारा लैंड था। शुरू में उन्होंने उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखा, लेकिन बांग्ला और इंग्लिश उनको समझने की या पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज थी उस समय के लोग समझते थे कि अगर गर्ल्स ने सीख ली तो उनको नए आइडियाज आ जाएंगे उनके दिमाग में, वो वेस्टर्नाइज हो जाएंगी, जो कि वो चाहते नहीं थे।
इसलिए केवल बॉयज को इंग्लिश सीखने की परमिशन थी, लेकिन रुकैया ने बांग्ला और इंग्लिश को पढ़ना सीखा अपने बड़े भाई की मदद से और अपनी बड़ी बहन की मदद से। तो इसमें उनका बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन ने उनकी मदद की और फाइनली वो एक राइटर बनी, और राइटर बन के उन्होंने एक स्टोरी लिखी। उस स्टोरी का नाम था सुल्ताना ड्रीम। ये सुल्ताना ड्रीम उन्होंने 1905 में लिखी थी अपनी इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए जब वो केवल 25 साल की थी। और उस स्टोरी में एक सुल्ताना नाम की लेडी थी जो एक जगह पे पहुंच जाती है, इमेजिनरी जगह पे जिसका नाम है लेडीलैंड। लेडीलैंड एक ऐसी जगह है जहां पे औरतों को पढ़ने की फ्रीडम थी, काम करने की फ्रीडम थी, इन्वेंशंस करने की फ्रीडम थी। वहां पे जो औरतें थी वो क्लाउड्स को कंट्रोल कर पा रही है रेन करने से, उड़ती कारें उड़ा रही। तो मतलब उस समय पे आप समझ सकते हैं, आज भी अब उड़ती हुई कारें तो दिखती नहीं है फ्रेंड्स, क्लाउड्स कंट्रोल के मतलब क्लाउड से रेनफॉल को कंट्रोल किया जा सके इस तरीके की टेक्नोलॉजी तो बन गई है, पर उड़ती कारों की टेक्नोलॉजी आज नहीं बनी। उस समय में जो लोग रहा करते होंगे वो सोचते होंगे कि मैं भाई ऐसा कुछ कर दूं जब मैं राजा समझ जाऊं। यही सब चीजें थी, उड़ती हुई कारें, क्लाउड्स में से अपने हिसाब से रेन करा देना। तो ये सब सोचती थी ये लेडी लैंड वाली सुल्ताना। और ये एक्चुअली में लेडी लैंड के सुल्ताना के ख्वाब नहीं थे, ये एक्चुअली में रुकैया सखावत हुसैन के ख्वाब थे। ओके, और एंड में ये सुल्ताना जब ड्रीम से जगेगी तो देखेगी कि भाई वो सिर्फ ड्रीम कर रही थी, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये रुकैया सखावत हुसैन का ड्रीम था कि वो देख रही कि वुमेन एक दिन प्लेन्स फ्लाई करेंगे, कार्स फ्लाई करेंगे, इस तरीके की चीजें वो सोचती थी। और इस तरीके से एजुकेशन ने रुकैया की जिंदगी को बदला। ओके, और रुकैया ने ना केवल अपने आप को पढ़ाया, उन्होंने बाकी गर्ल्स को भी पढ़ाया। 1910 में उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोला कलकत्ता में लड़कियों को पढ़ाने के लिए, आज भी ये स्कूल चालू है। तो ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लेडीज हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को शेप किया है। कैसे शेप किया है कि उस समय के लेडीज को जो कि दबी कुचली थी उनको पढ़ के आगे बढ़ने का एक मौका दिया। यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में चौथे नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्वालिटी एजुकेशन। अब हम स्कूल और एजुकेशन की बात कर लें। देखिए आज की डेट में बॉयज और गर्ल्स स्कूल जाते हैं, नॉर्मल केस है, ठीक है, लेकिन फिर भी बॉयज और गर्ल्स की एजुकेशन में बहुत फर्क है, किस तरीके से एजुकेशन करने थे। और ये फर्क रिलीजियस में, कास्ट में बहुत सही तरीके से दिखता है। इंडिया में हर 10 साल पे सेंसस होता है जिसमें भाई पूरे देश की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, तो उनकी एज कितनी, उन्होंने पढ़ाई की है, क्या वो काम करते हैं, ये सब चीज की काउंटिंग होती है। कितने लिटरेट लोग हैं, कितने मेन और वुमेन का क्या रेशियो है। तो 1961 का जब सेंसस हुआ, देखिए अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल द बॉयज एंड मेन जो कि 7 साल के ऊपर थे वो लिटरेट थे। लिटरेट थे मतलब वो अपना नाम लिख सकते थे। लेकिन गर्ल्स और वुमेन जो कि 7 साल से अबव है और अपना नाम लिख सकते हैं वो केवल 15% थे। तो आप समझ रहे हैं ना कि 1961 के सेंसस में बॉयज और मेन जो कि 7 साल से ऊपर है अपना नाम लिख सकते हैं वो थे 40%। यही फिगर गर्ल्स और लेडीज के लिए कितना था, केवल 15%। 1961 के सेंसस में रिसेंट सेंसस पे आते हैं, 2011 के सेंसस में ये फिगर मेन के लिए हो गया 82% और फीमेल के लिए 65%। तो अब देखिए फीमेल का पहले जो था 1961 में वो 15% था, 65% हो गया। तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट इंप्रूवमेंट हुआ है। बट ये इंप्रूवमेंट ग्लूमी हो जाता है जब आप इस 65% के फिगर को 82% के साथ कंपेयर करोगे। 82% इज द फिगर फॉर बॉयज एंड मेन और 65% इज द फिगर फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है। तो ये फर्क है। तो मतलब आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स कि भले ही वुमेन्स का, गर्ल्स का जो एजुकेशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव कर रहा है, बट मेल्स के कंपैरिजन में वो आज भी बहुत खराब है। अब यहाँ पे एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट देख रहे हैं दोस्तों, प्राइमरी क्लास 1 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए, अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8, सेकेंडरी क्लास 9 से 10 कक्षा के बच्चों के लिए। अब ये क्या है एनुअल ड्रॉप आउट रेट, कितने लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सिंपल सी बात देखिए, प्राइमरी क्लास में 4.36% ड्रॉप आउट रेट है बॉयज में सबका टोटल मिला के। अगर आप एस सी का रेट देखोगे तो 4.71%, एस टी का रेट देखोगे तो 7.02% है। यानी जो ओवरऑल रेट है वो 4.36% है, और एस टी कैटेगरी के जो बॉयज हैं प्राइमरी क्लास में 7.02% उनका ड्रॉप आउट रेट। यानी एस टी क्लास के जो बॉयज हैं वो भैया 7% बॉयज निकल जाते हैं पढ़ाई करते वक्त प्राइमरी क्लास 1 से 5 में। तो ये उनका ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की नहीं की, उन्होंने अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ दी। तो ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं और ये फिगर्स क्लियर कट आपको बताएंगे कि भाई बाकी कैटेगरी से एससी कैटेगरी की हालत खराब है और एससी कैटेगरी से भी ज्यादा एसटी कैटेगरी की हालत खराब है। जैसे कि अपर प्राइमरी क्लास में अगर गर्ल्स का एनरोलमेंट रेट आप देखो, ड्रॉप आउट रेट देखो, तो अपर प्राइमरी क्लास क्लास 6 से 8 तक की क्लास में जो लड़कियां पढ़ती हैं टोटल 4.6% लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी,
एससी कैटेगरी में टोटल 6.03% गर्ल्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एसटी कैटेगरी में 8.71% गर्ल्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो एससी के लिए तो फिगर बुरा है नॉर्मल का कंपैरिजन में, एसटी के लिए और बुरा है। अब यहाँ पे जो एससी कैटेगरी है वो एक्चुअली दलित को डिनोट कर रही है और एसटी कैटेगरी आदिवासी यानी एसटी ट्राइबल को डिनोट कर रही है और एससी कैटेगरी आपके दलित जो वर्ड का नाम लिया गया है। ओके तो अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एससी और एसटी गर्ल्स की जो हालत है वो काफी खराब है और इसके लिए देखिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, हमारी हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, अपर क्लास के रोड रिस्पॉन्सिबल है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके अगर 2011 सेंसस में बात की जाए तो चाहिए जो मुस्लिम गर्ल्स थी उनकी हालत भी बहुत खराब थी। ठीक है नॉर्मल कंपैरिजन से देखेंगे तो 2011 सेंसस आल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन एससी एंड एसटी गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल, यानी प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करेंगी एक मुस्लिम गर्ल, ये भाई एससी और एसटी गर्ल्स से भी कम चांस है कि एक मुस्लिम गर्ल प्राइमरी स्कूलिंग को कंप्लीट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से दलित कम्युनिटी के लोग, आदिवासी कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है और खासकर ये जो फिनोमिना है ये रूरल एरियाज में बहुत प्रेडोमिनेंट है, गरीब एरियाज में बहुत प्रेडोमिनेंट है, वहां पे ना प्रॉपर स्कूल्स हैं और ना ही उन स्कूलों में प्रॉपर बेसिस पे टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर इन जगहों पे जो स्कूल हैं अगर वो लोगों के घर से दूर हैं, अब लोगों के घर से दूर हैं रूरल एरियाज में कोई भाई स्कूल बस तो आती नहीं, अर्बन एरियाज में क्या होती है बच्चों को लेने के लिए रोज सुबह स्कूल बस आती, या रूरल एरियाज में कोई बस आती, कोई बस नहीं आती। तो अगर घर से स्कूल दूर है तो कोई अपनी लड़कियों को वहां पढ़ने के लिए भेजेगा क्या? लड़कियों को तो वैसे सब लोग बचा के रखते हैं तो पेरेंट्स लड़कियों को भेजेंगे ही नहीं पढ़ने के लिए, प्लस पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो जब उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जब उनके पास लिमिटेड पैसे हैं और प्रेफरेंस देने की बात आई तो वो केवल लड़कों को ही भेजेंगे। ठीक है और जब ये लड़के स्कूल जाएंगे तो उनको बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी झेलने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था। तो सिचुएशन काफी प्रिकेरियस है, सुधर तो रही है पर जो सुधरने की जो स्पीड है वो बहुत कम है। अब हम कुछ वुमेन्स मूवमेंट की बात करते हैं। अब आज की डेट में वुमेन्स और गर्ल्स के पास पूरी आजादी है, वो पढ़ सकती हैं जाके स्कूल में। बहुत सारे और भी स्पीयर्स हैं जैसे कि लीगल रिफॉर्म, वॉयलेंस और हेल्थ, जहां पे वुमेन्स की सिचुएशन थोड़ी सुधरी है। लीगल रिफॉर्म, वॉयलेंस और हेल्थ अभी देखते हैं कैसे। वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया है और ऐसा नहीं है कि वुमेन ने, बहुत सारे मेन्स में भी स्ट्रगल में काम किया, इस स्ट्रगल को बोला था वुमेन्स स्ट्रगल। बहुत सारे इंडिविजुअल वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो इस मूवमेंट का पार्ट रही है। मूवमेंट हुआ क्यों ये बताते हैं, और जैसा कि मैंने बताया मेन ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं। स्ट्रगल हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी देखते हैं। कैंपेनिंग, वुमेन्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है और वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वॉयलेंस है उसको कम करने के लिए भाई कैंपेन शुरू हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए सत्य रानी करके एक लेडी है, she is an active member of women's movement sitting on the steps of the supreme court surrounded by legal files gathered during the course of a legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry। ye ek lady baithi hai, inki beti ko dahej ki wajah se maar diya gaya, to jab dahej ki wajah se maar diya gaya to ye legal files leke apne beti ke liye insaaf maang rahi hai aur supreme court ki steps baithi hai aur inko saaf mila bhi। theek hai supreme court aaj ki date mein ek aisi organization hai jo sach mein insaaf de rahi hai। theek hai to This is an example of women movement, ठीक है ना। तो जिन लड़कियों को डाउरी के लिए हैरेस किया जाता है, जिन लड़कियों को किसी और बात पे हैरेस किया जाता है, फिजिकल वायलेंस दिया जाता है, मेंटल वायलेंस दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई 2006 में नियम बनाने के बाद। और अब ये नियम ना ही केवल सेंट्रल लेवल पे बनाए गए, स्टेट लेवल पे भी बनाए गए हैं दोस्तों। तो वुमेन के लिए लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं आज की डेट में, वो स्ट्रिक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि वुमेन्स को काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है बैकग्राउंड में। ठीक है फिर बहुत सारे एफर्ट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की 1997 में, जिन गाइडलाइंस में प्रॉपर करके कुछ ऐसे प्रोविजंस को जोड़ा गया ताकि अगर किसी वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस झेलने पड़ते हैं जहां पे वो काम करती है, उनके वर्क प्लेस पे या जहां वो पढ़ती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की है 1997 में सुप्रीम कोर्ट में। और इन गाइडलाइंस में रेगुलरली अमेंडमेंट करके उनको और इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। 1980s में बहुत तगड़ा मूवमेंट उठा कि भाई इंडिया भर में जो डाउरी डेथ्स हो रही हैं उनको रोका जाए। यंग ब्राइड्स को मार देते थे उनके हस्बैंड्स और उनके लास्ट, क्यों? क्योंकि वो पैसे लेके नहीं आती थी। क्यों पैसे लेके आएंगे पता नहीं भाई, फ्री के पैसे मिल रहे हैं उसके लिए मारा पड़े हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ने इसके अगेंस्ट में एजिटेट किया। आज की डेट में भाई डाउरी पूरी तरीके से बैन है, डाउरी लाइज बहुत स्ट्रिक्ट है, खासकर उन फैमिलीज को पनिश करने के लिए जो कि डाउरी मांगती हैं। अब इसका मिसयूज भी होने लगा है लेकिन उस पर अभी नहीं जाते हैं। इस तरीके के लॉज की बहुत जरूरत थी।
फिर अवेयरनेस भी बहुत सारी आई। देखिए वुमेन्स मूवमेंट का एक जो मेजर पार्ट था वो ये था कि भाई वुमेन के जो राइट्स हैं उनके अवेयरनेस दुनिया भर में फैलाई जाए। अवेयर होना बहुत जरूरी है। किसका अवेयर होना जरूरी है? वो वुमेन जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनका अवेयर होना जरूरी है। पूरी सोसाइटी एज अ होल का अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि जो फैमिली अत्याचार कर रही है जब उनको मालूम पड़ेगा कि भैया इसकी ये सजा है, ऑटोमेटिकली वो लाइन पे आ जाएंगे। इसलिए इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस करे गए, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स, इस तरीके की चीजें होने लगी। प्रोटेस्ट शुरू हुए, बहुत सारी वुमेन सड़कों पर आ गई। उन्होंने बोला कि भाई जो वायलेशन हो रहे हैं ना वुमेन्स के अगेंस्ट में, उसके लिए लॉ और पॉलिसी बनाने की डिमांड हुई। और ये पब्लिक रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सॉलिड तरीके होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, और फिर इनके इनको बचाने के लिए, इनके खिलाफ जो इनजस्टिसेस होने हैं उनको रोकने के लिए भाई लॉज भी लेके आए गए। और देखिए यहाँ पे एक 8 मार्च का दिखा रखा है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। दुनिया भर से वुमेन एक जगह इकट्ठे होकर अपने स्ट्रगल के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं। और वुमेन्स केवल देखिए दोस्तों अपने राइट्स के लिए नहीं, जो वुमेन मूवमेंट है ना वो बहुत जगहों पर नजर आता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हर साल 14 अगस्त के शाम को हजारों लोग इकट्ठा करते हैं वाघा बॉर्डर पे, उसमें वुमेन भी बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे वुमेन कैंडल लेके खड़ी हैं इंडिया पाकिस्तान की पीस की कामना करते हुए। तो यहाँ पे हमने हल्का फुल्का वुमेन्स मूवमेंट के बारे में देखा फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ ग्लॉसरी देख लेते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप मतलब कि जब आपके रिलीजन, आपके वेल्थ, आपके लैंग्वेज के हिसाब से, देखिए व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, वेल्थ, लैंग्वेज आर बाउंड टू हैव सर्टेन फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन डू ओनली सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। यहाँ रिलीजन, वेल्थ और लैंग्वेज के हिसाब से बोला गया। वुमेन के हिसाब से क्या है? जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि भाई वुमेन से कुछ स्पेशल तरीके के काम करने की एक्सपेक्टेशंस की जाती है, जैसे कि भाई वो नर्स ही बन सकती हैं, वो हाउसवाइफ ही बन सकती हैं, वो टीचर ही बन सकती हैं। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। एक लड़के को बड़े होके सिर्फ एक जॉब लेनी है ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके, दिस इज अ स्टीरियोटाइप। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप सोसाइटी में अवेलेबल है, और केवल वुमेन के रिस्पेक्ट में नहीं, हर रिस्पेक्ट में। अलग अलग रिलीजन के लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऐसे होंगे, जो अमीर उससे ये एक्सपेक्ट होगा कि ये करेगा, जो गरीब उससे ये एक्सपेक्ट होगा कि ये करेगा, समझ गए। डिस्क्रिमिनेशन की भी हमने बात की, वायलेशन की हमने बात की। भाई किसी भी लॉ का वायलेशन हो रहा तो वो वायलेशन होगा, चाहे वो वुमेन के अगेंस्ट में हो, चाहे सोसाइटी के अगेंस्ट में हो। और सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी हमने बात की, भाई लड़कियों को परेशान किया जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका मैरिज के बाद भी हो सकता है, मैरिज से पहले भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है। इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में। एक और गाइडलाइंस है विशाखा गाइडलाइंस, पढ़िएगा जाके विशाखा गाइडलाइंस के बारे में। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।